हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी जा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम हनी सकल का पोएम 6 पढ़ेंगे, द वंडरफुल वर्ड्स। वंडरफुल वर्ड्स यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत अच्छे बातों की, हमारे विचारों की। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। नेवर लेट अ थॉट शिवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। कह रहे हैं कि किसी विचार को किसी कारण से उसे अपने अंदर मरने मत दो, सिकुड़ने मत दो। उसे व्यक्त करने की विधि हम जानते नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है वो एक अद्भुत खेल है और तुम सभी इसे खेल सकते हो। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन यू हैड सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। कह रहे हैं कि हमें अपने मस्तिष्क में शुभ विचारों का मिलान करना है ताकि वो स्वच्छ और अच्छे तरीके से बाहर आ सके, क्योंकि बहुत सी सुंदर बातें जो अभी तक कही ही नहीं गई है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ अ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। जो वर्ड्स होते हैं ना वो फूड होते हैं और ड्रेस होती है, एक तरह से मतलब आहार और पोशाक होते हैं। वे शरीर को प्रेरणा प्रदान करते हैं और वर्तमान काल में हर एक व्यक्ति ना कुछ अच्छा कुछ सुंदर सुनने के लिए लालायित रहता है, उसकी इच्छा होती है ये चीज। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। कह रहे हैं कि केवल शब्द ही तुम्हारी आंखों के पीछे कैद एक विचार को मुक्त कर सकते हैं। इसी समय तुम्हारे दिमाग में कोई विस्मयकारी या नया आश्चर्य उलझा पड़ा हो, तो वो चीज कौन हमें मतलब कैद से मुक्त कर सकते हैं? अच्छे वर्ड्स, ठीक है। अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो इंसान जो है सामने वाले के हमारे मतलब बातों में जान डाल सकता है। वो सिर्फ क्या चीज़ है, विचारों को ढंग से सोच के कैसे शब्द यूज़ करने हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ हमारी पोएम फिनिश होती है। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।